हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। इसमें हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड। तो देखते हैं, एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। हमने इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, चेक दिस इज कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस, हमें ये बताना है। एफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए कॉन्टीन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अगर ये चीज़ हमारे पास बन जाती है तब हम कहेंगे कि क्या है लिमिट कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये क्या है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। और अगर ये नहीं आता है इक्वल तो हम क्या करेंगे, फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी है कि क्या होती है कॉन्टीन्यूटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हम चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब इस जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, फंक्शन जो है वो जो लिमिट है ये जीरो माइनस की तरफ जा रही है ना कि जीरो है। फंक्शन एग्जैक्टली एफ जीरो की बात हम नहीं कर रहे हैं, जीरो की तरफ जा रही है। मीन्स इसका उस फंक्शन का और इसका स्लाइड सा डिफरेंस होगा जीरो पे, एग्जैक्टली वो जीरो पे नहीं होगी, जीरो के साथ इसका बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस होगा। तो दैट मीन्स कि वो जीरो के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव है तो ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट विल बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव साइन इनवर्स दिस विल बी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हुई इतनी चीज़। अब देखिए, अगर हम ले लें साइन इनवर्स एक्स को हम ले लें टी, बिकॉज हम जब लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा एक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, साइन टी। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे है एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि टी भी कहाँ टेंस करेगा, जीरो माइनस की तरफ ही जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट टी टेंस टू जीरो माइनस, तो यहाँ पे ये जो मैंने साइन इनवर्स एक्स है इसको मैंने टी लिया है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी माइनस टी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अगर टी है वो जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो माइनस की तरफ, देन एच टेंस टू जीरो वेयर टी इज इक्वल टू जीरो माइनस एच। क्लियर, इस तरह से ही होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच। तो यहाँ पे जब आप ये वैल्यू जीरो कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज जीरो माइनस जीरो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और माइनस जीरो या प्लस जीरो, जीरो तो जीरो ही होती है, दैट मीन्स कि ये आपका आ गया जीरो। इसको आप दे दो नंबर वन। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स, साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमने चेक करना है। ठीक है, अब साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स अगेन हम उसी तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, तो अब इस टाइम पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, तो यहाँ पे अगर एक्स है तो ये वो साइन उस टाइम पे जीरो माइनस थी तो हमने ले लिया था माइनस एक्स, तो इस टाइम पे जीरो प्लस है, तो यानी कि आपकी वैल्यू आएगी एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम बात करते हैं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स को आप ले सकते हो टी, तो एक्स जो है वो आपका बन जाएगा साइन टी। अब अगर एस टेंस कर रहा है जीरो प्लस को तो टी भी कहाँ पे टेंस करेगा, जीरो प्लस को, तो यानी कि लिमिट टी टेंस टू जीरो प्लस, और साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकोगे टी। अब यहाँ पे है एक्स टी टेंस टू जीरो प्लस देन एच टेंस टू जीरो, ठीक है, टी टेंस टू जीरो प्लस देन एच टेंस टू जीरो, तो एच कहाँ पे टेंस कर रहा है, जीरो की तरफ टेंस कर रहा है, और इस टी को आप क्या लिखोगे, जीरो प्लस एच, टी विल बी इक्वल टू जीरो प्लस एच। तो जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे जीरो, तो दैट विल बी आपका आंसर कितना आएगा, दैट विल बी जीरो। तो यानी कि हमें पता चल गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जो साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो इसको आप दे दीजिए नंबर टू। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस टू है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस टू है वो हमारी किसकी इक्वल आई थी, दैट इज इक्वल टू जीरो। और सेकंड में हमारे पास जीरो प्लस वाली जो लिमिट है वो भी किसकी इक्वल आ गई है, जीरो की इक्वल आ गई है। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है, इसको आप नंबर थ्री दे दीजिए। नाउ एफ जीरो, एफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ज़ीरो, अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो एफ ज़ीरो की वैल्यू आपको क्या गिवन है, अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हम ले लेते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है ज़ीरो, एंड एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको आप नंबर फोर दे दीजिए। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी कि जो माइनस वाली लिमिट है, प्लस वाली लिमिट है और एफ ज़ीरो की जो वैल्यू है वो सेम आ गई है, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन हम क्या चीज़ बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। डेफिनेशन हमें क्या चीज़ बताती है कि अगर ये चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तो ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, हमें यही पूछा गया था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, हमें इसको चेक करना था, तो ये कॉन्टिन्यूटी हमने इसकी चेक कर ली, ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस आ गया। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।